नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। स्पेशल टास्क फोर्स अंबाला की टीम ने आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात इनामी गैंगस्टर को भारी मात्रा में विदेशी हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल हरियाणा एसटीएफ और अंबाला पुलिस की अध्यक्षता में टीम मोस्ट वांटेड अपराधियों की तलाश के लिए थाना सदर करनाल के एरिया में मौजूद थी। उसी समय टीम को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि लॉरेंस ग्रुप के अंकुश कमालपुर गैंग का सक्रिय सदस्य और उसके गैंग के हथियारों का मेन सप्लायर मुकेश, जो पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते एरिया से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए भारी मात्रा में विदेशी अवैध हथियार लेकर आया है। सूचना के आधार पर बता दें कि टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई और मुठभेड़ के बाद आरोपी मुकेश को काबू किया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 4 अवैध विदेशी पिस्तौल, खाली खोल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना सदर करनाल में थाना 307 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मुकेश के बब्बर खालसा ग्रुप, लॉरेंस ग्रुप और अंकुश कमालपुर गैंग से संबंध है। आरोपी द्वारा उपरोक्त हथियार विदेश में बैठे गैंगस्टर दमन जोत सिंह और वीरेंद्र सांबी के माध्यम से ड्रोन द्वारा पाकिस्तान से मंगवाए थे। दोनों ही गैंगस्टर लखवीर सिंह के हैंडलर हैं और दोनों ही गैंगस्टर फिलहाल विदेशों में बैठे हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी नामी गैंगस्टर और अन्य आतंकियों के कहने पर अपनी गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गैंगस्टर नीरज पुनिया के भाई ब्रजपाल और प्रहलाद खाटवा वासी अबोहर का मर्डर करना था। आरोपी मुकेश को देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए विदेश में बैठे वीरेंद्र सांभी द्वारा फंडिंग हो रही थी। आरोपी के ऊपर हरियाणा पुलिस विभाग की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में हत्या का प्रयास करने, लूट, फिरौती मांगने, शस्त्र अधिनियम और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कुल 9 मामले दर्ज हैं। आरोपी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के पंजाब में दर्ज मामले में फरार चल रहा था। आरोपी को कल अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान रिमांड पर लेकर आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही आरोपी के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने में आगे पुलिस जुट गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।